जब उनको जो कहना होगा कहेंगे दुनिया के सामने आकर के। और अब क्योंकि भगवान कल के अवतार के सभी प्रोटोटाइप धरती पर हैं, तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात, आनंद की बात और क्या हो सकती है मानव जाति के लिए। और मतलब हम लोग प्रसन्न रहकर ही ये जो आध्यात्मिक प्रगति है ना पूरी मानव जाति की, इसमें सहायता कर सकते हैं बस। बाकी सारा काम तो उन्हीं का है। जी हाँ, हम लोग कोई सहायता नहीं कर सकते उनकी इस आध्यात्मिक प्रगति में, क्योंकि अवतार का जो उद्देश्य होता है ना वो तो यही होता है। क्योंकि देखिए हमेशा से ऐसा ही होता है। देखिए शुरुआत से बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि सबसे पहले मत्स्य अवतार हुए, तो मत्स्य अवतार थे ना वो, उनकी वजह से पानी में, जल में, मतलब महासागरों में जीवों की उत्पत्ति हुई जो जल में रह सकते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आए कच्छप अवतार। अब कच्छप अवतार पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी आ सकते हैं, तो उससे ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो मतलब रेप्टाइल्स हो गए, जो समुद्र में रह लेते थे और थोड़ी समय के लिए पृथ्वी पे भी आ जाते थे, क्योंकि उस समय पृथ्वी गर्म थी ना और पृथ्वी पे इतना जीवन का विकास हुआ नहीं था। फिर पेड़ पौधे वगैरह डेवलप हुए, उसके बाद में ही जीवों का पृथ्वी पर आना हुआ। अब आ गए, उसके बाद में फिर वराह अवतार हुए। तो देखिए वराह अवतार जो है ना वो मतलब क्योंकि दलदली भूमि थी उस वक्त, धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी हो रही थी और भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा था ना वो दलदली था, तो उसमें कच्छप अवतार के कारण ऐसे जीवों का मतलब विकास हुआ जो दलदल में भी रह लेते थे और कुछ समय के लिए पानी में भी चले जाते थे और सूखी धरती पर भी रह लेते थे, और जो भी भोजन मिलता था हर तरह का भोजन वो खा लेते थे, ताकि कोई मतलब स्पेशल, क्योंकि उस वक्त धीरे धीरे करके वनस्पतियों का और इनका विकास शुरू हुआ था। और वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं देवताओं की, और जैसे मैंने आपको बताया था कि समुद्र मंथन हुआ था और उसके लिए कच्छप अवतार लेना पड़ा था भगवान को, पर मैं आज आपको बिल्कुल नॉर्मल बातें बता रहा हूँ जैसे कि एक साइंटिस्ट सोच सकता है, और आप लोग तो सब विज्ञान के जानकार हैं, तो विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों को तो ये बातें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, प्रैक्टिकल लगेंगी आपको ये बातें, ठीक है ना। अब वराह अवतार के बाद में फिर नरसिंह अवतार। देखिए आधे मानव और आधे सिंह, शेर, जी हाँ। और मेरा तो जो स्टडी रूम था ना गांव में, तो उसकी जब खिड़की हम खोलते थे ना तो सामने शाम वराह अवतार की मूर्ति ही नज़र आती थी, क्योंकि वो मंदिर का पीछे वाला हिस्सा था जहाँ वराह अवतार की मूर्ति लगी हुई थी एकदम स्पष्ट। और तो देखिए इससे जैसे बंदर से मनुष्य का जन्म हुआ ऐसे कहा जाता है म्यूटेशन के द्वारा, तो बिल्कुल उसी प्रकार से मतलब शेर से मानव में आ रहा है नरसिंह। और अब इसके बाद में फिर आए मनु, जो कि पूर्ण मनुष्य थे, अब मानव का विकास हो रहा है उनके कारण। तो देखिए फिर आगे बढ़े अगर हम लोग, तो उनके बाद में परशुराम जी, जो कि थे तो ब्राह्मण पर बहुत बड़े योद्धा थे, तो देखिए उनको भी अवतारों की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ। और देखिए यहाँ हम भूल गए हैं कि परशुराम जी से पहले आए थे वामन अवतार,
और वामन अवतार मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो बालक के जैसे दिखाई देते थे, परंतु वो थे ईश्वर के अवतार। और उन्होंने कहा जाता है ना कहानी, बलि से पूरा वो मांग लिया था पृथ्वी और आकाश और पाताल सब उन्होंने अपने कदमों से नाप दिए थे, ऐसी कथा है ना। तो देखिए यहाँ पर जो वामन अवतार है ना, वो थे छोटे बच्चे के आकार के, और जितने भी अवतार होते हैं ना तो उनमें उतनी ही समझ और बुद्धि होती है बाल्यकाल से ही। जी हाँ, मतलब बिल्कुल जन्म से ही उनके अंदर वो समझ और वो सारी बुद्धि होती है जो एक बड़े मनुष्य में हो सकती है और उससे कहीं आगे, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, त्रिकालदर्शिता होती है उनके पास, तो वो जन्म से ही होती है सभी अवतारों में। और भले ही वो बाहर से सामान्य मनुष्य होने का अभिनय करें, लेकिन ये एक बिल्कुल सत्य है। और फिर उसके बाद भगवान राम आए और रामायण के माध्यम से हम लोग उनके बारे में जानते ही हैं। फिर भगवान कृष्ण आए, उन्होंने अपनी लीलाओं का जो देखिए, भगवान राम जो थे ना, वो तो पूरी तरीके से मतलब एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सभी प्रकार के सामाजिक नियमों का पालन करने वाले, और सत्य का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले। लेकिन देखिए यहाँ पर जब भगवान कृष्ण आए ना, तो उन्होंने किसी भी प्रकार के नियम का पालन नहीं किया, मतलब उन्होंने हर नियम को तोड़ा। आप कृष्ण कथाएं देख सकते हैं, उन्होंने हर तरह का नियम तोड़ा है, आप देख लीजिए भले ही से। और धर्म के नाम पर और जो कुछ भी मतलब हम सोचते हैं अच्छा, तो उन्होंने वो सब चीज़ें तोड़ी हैं बचपन से ही। रूढ़ियों को तोड़ा, नियमों को तोड़ा और मर्यादाओं को तोड़ा। जी हाँ, पर फिर भी वो निष्कलंक रहे। और क्योंकि देखिए धर्म की जो परिभाषा है ना, वो उस रूप में नहीं की जा सकती कि कोई नियम बना करके और उसको उन नियमों में बांध दिया जाए, क्योंकि वो गतिशील है, समय के साथ में गतिशील है धर्म, और उसकी गति को समझना ये भगवान की कृपा से ही संभव है। अब देखिए कल के अवतार के बारे में, वैसे तो कहा जाता है कि भाई कल के अवतार आएंगे, ये है वो है, लेकिन मैंने तो आपको तीन तीन रूप बता दिया मैंने तो उनके। और ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई ना, कल के अवतार के बारे में तो इतनी कम जानकारी उपलब्ध है, मतलब आप कल की पुराण भी पढ़ के देख लीजिए प्लीज, ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाएगा उनके बारे में, ज़्यादातर वही कहानी जो दोहराई जा रही है वही पता लगेगी बस, और वो शंबल वाली कहानी। और देखिए कल के अवतार जो है ना, वो अभी तक के जितने भी अवतार हुए तो क्रम विकास के कारण, वैसे तो सभी अवतार पूर्ण थे, पर ये जो आए हैं ना कल के अवतार, ये बाकी के जितने भी अवतार अभी तक आए थे उन सभी अवतारों की तुलना में अत्यंत गुप्त और रहस्यपूर्ण है। जी हाँ, और हाँ भक्तों को जरूर, जितने भी भक्त हैं ना उनके, उनको वो दर्शन देंगे ध्यान में, स्वप्न में। और क्योंकि मैंने जो है ना वो सगुण साकार रूप से संबंधित आपको बहुत कम बातें बताई हैं, मैंने जितने भी अनुभव आपको बताए ना अभी तक, वो सारे के सारे मेरे अनुभव हैं, मेरे उन आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित जो मुझे ध्यान के दौरान और स्वप्न के दौरान हुए, या जो चिंतन अवस्था होती है उसमें हुए।
वो मैंने आपको बताया सारे के सारे, लाइफ एक्सपीरियंस जो हुए मुझको वो बताया मैंने सारे के सारे, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा, वीडियोस आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और तो फिलहाल तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा भोजन कीजिए, खेलिए कूदिए, प्रसन्न रहिए, और क्योंकि हम बहुत ही अच्छे समय में पैदा हुए हैं। जी हाँ, और इससे बेहतर समय और क्या होगा कि भगवान भी धरती पर है।